तो दोस्तों आ चुके हैं लेकर के एक बार फिर से बहुत ज्यादा तबाही वाला वीडियो एडिटिंग ट्रेलर लेकर के, जो कि दोस्तों ट्रेंडिंग हिंदी सॉन्ग पर होने वाला है। और दोस्तों ये जो सॉन्ग है हिंदी डीजे सॉन्ग है, जो कि बहुत ही कमाल का सॉन्ग है। और इसमें जो हमने इफेक्ट क्रिएट किया है काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल के नैनी इफेक्ट के साथ आज की इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। एंड दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि सूरज भाई हिंदी और भोजपुरी दोनों सॉन्ग पर वीडियो लेकर के आया करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है ये सूरज प्रजापति टेक्निकल, इस पर मैं हिंदी सॉन्ग पर वीडियो एडिटिंग लेकर के आऊंगा, जो कि इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग हो सकता है, जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो चलते रहेंगे वो मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। एंड दोस्तों जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैं लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही कमाल का, आप लोगों के ही डिमांड पर, भोजपुरी सॉन्ग पर वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ये चैनल है इस पर आपको हिंदी ही सिर्फ देखने मिलेगा, और जो भी गाने ट्रेंडिंग चलेंगे, जैसे कि मुझे लगेगा कि हाँ ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है तो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग दोनों का दोनों चैनल फटाफट से जाइए सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो कभी भी आ सकती है। दोस्तों हमारा जो चैनल है वो फाइनली बैक हो चुका है एक हफ्ते के बाद, तो हम लेकर के आ चुके हैं बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग हिंदी सॉन्ग पर डीजे स्टूडियो लेकर के, जो कि ओल्ड हिंदी सॉन्ग पर होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, और इसमें हमने कुछ नए नए इफेक्ट भी ऐड किए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा है कुछ इस प्रकार की वीडियो को क्रिएट किया गया है। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार का जो एनिमेशन है इस प्रकार से क्रिएट किया गया, और गाइस बीच में आपको जो जैसे कि हमेशा की तरह मैं इफेक्ट देता हूँ कुछ इस प्रकार के इफेक्ट बनाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके उस बेल कॉल पर जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों इसे आप कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस अगर आपको एनी केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर विजिट कर लीजिएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा हर प्रॉब्लम का सलूशन। एंड दोस्तों अब गाइस व्हाट्सएप का आ चुका है न्यू अपडेट, एंड दोस्तों व्हाट्सएप में भी चैनल आप बना सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए यानी कि फॉलो कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन करना अपने अलाइट मोशन को, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सबमिट मार्क एंड सर्टिफिकेट नाम से दो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत इजीली तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों इंपोर्ट करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है इसको कर देना ओपन। दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको जितना भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सभी स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको आज का यह वीडियो आप बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बैक कर लेना है कुछ इस प्रकार से, आपको कुछ फोटोज़ की भी जरूरत पड़ेगी तो वो सब फोटो आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको आपको जो प्रोजेक्ट इसको ओपन कर देना है। दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ ताकि आप लोग को जो है समझने में आसानी हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जब आएंगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग में खाली जगह देखने को मिलेगा, खाली बीट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आगे जाने के बाद यहाँ पर एक डबल बीट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जब तक ये लाइनिंग बन रहा है बड़ा सा रेड कलर का, इसके अंदर आपको अपनी फोटोज़ को ऐड करने हैं। सबसे पहले बैक करना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको सेक इफेक्ट में जाना है, जो आपको पहला प्रोजेक्ट देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट एनिमेशन, इसको इफेक्ट को बनाया गया, ठीक है। और गाइस यहाँ पर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर जो ये पहला इफेक्ट इसको हम कर लेते हैं कॉपी, लेयर पर क्लिक करके करना है कॉपी लेयर इस प्रकार से, और गाइस बैक कर देना है, ठीक है। बीट बैक करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है बीट मार्क इसको ओपन कर देना, और आपका जो ये प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करके लेयर पे क्लिक करके इसको पेस्ट करना है। अब गाइस यहाँ पर ये जो एनिमेशन क्रिएट हुआ है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से क्रिएट किया गया। अब गाइस इसके अंदर अपना फोटो कैसे ऐड करेंगे, एक फोटो मैं आपको लगाना बताऊंगा, उसके बाद ऐसे आप हर प्रकार से फोटोज को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस पर क्लिक करना है, एंड कलर फिर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर आपने जो भी फोटो आपको लगाना होगा कुछ इस प्रकार के फोटोज मैं आज की इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ, तो ये सब फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप जाके फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं फोटोज को ऐड करने वाला हूँ, जो हमारा पहला फोटो होने वाला है कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो गाइस मैंने पहला फोटो इस प्रकार से ऐड कर दिया है। अब गाइस यहाँ पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से खाली बिट दिखाई दे रहा था, आपको समझना क्या है कि जो मैंने ये फोटो ऐड किया सिर्फ इसी को कॉपी करना है लेयर पर, और यहाँ पर इसको आपको पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, और बीट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, फिर बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर बीट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्टमेंट कर देना है।
सो गाइस यहाँ पर ये कुछ प्रकार से हो जाएगा। इसके अंदर आपको अपने फोटो को ऐड करना है, इसका आप कलर एनिमेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब गाइस आगे जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देंगे जो कि इस प्रकार से हार्ट वगैरह क्रिएशन किया गया है। तो आपको इसके अंदर अपने फोटोज को ऐड करना है, तो नीचे आपका जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, कलर पर क्लिक करके स्टाइल आइकन पर क्लिक कर देना है और इजीली आपको जो भी फोटो अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग आप फोटो इसमें चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार से फोटोज को अच्छा लगा है तो मैं यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर गाइस आगे जाने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार के इंटरफेस दिखाई देंगे, तो आप इस पर कलर पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी फोटो अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इलेक्ट्रिक एड्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाने के बाद यहाँ से आप कलर जो भी आप चूज करना चाहते हैं आप वो यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। अब गाइस बैक करके आपको जाना है ग्लो पर और यहाँ पर ग्लो पर जाने के बाद जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं आप वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस मैं कुछ प्रकार के कलर्स को चूज किया हूँ, अगर आप फोटो का चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके आपको नीचे इलेक्ट्रो एड देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप जो भी कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं आप वो कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब गाइस आई ग्लो की बारी, तो ग्लो पे क्लिक करना है, रेड चूज करना है, ठीक है। एंड गाइस फिर से आपको जाना है जो सेकंड वाला ग्लो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से भी आपको रेड चूज कर लेना है। सो गाइस कुछ इस प्रकार का आपका ये कलर चेंजिंग के साथ ये हो गया है जो कि कुछ प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी गाइस इस प्रकार से करने के बाद थोड़ा सा आपको आगे जाना है, गाइस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आगे आपको और भी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ इसी इफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के बीट आपको दिखाई दे रही है, इस जो एनिमेशन है कुछ प्रकार का है, इसके अंदर आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है, बहुत ईजी तरीका है। इस पर क्लिक करना है, कलर पर भी क्लिक करके आप बहुत ऐसे ऐसे इमेज को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको डबल बीट दिखाई दे रहा है जो कि खाली जगह है, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट ऐड करने हैं। तो हम कर लेते हैं बैक और आते हैं अपने स्ट्राइक इफेक्ट में। दोस्तों हमारा जो सेकेंड इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये वाला इफेक्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉपी लेयर कर लेना है और गाइस बैक करके आपको अपने प्रोजेक्ट में चले आना है। दोस्तों प्रोजेक्ट में आने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डबल बीट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये खाली जगह भी है। तो सिंपली आपका जब आगे जाएंगे जब ये डंडा बनेगा तो लेयर पे क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इस पर फोटो लगाना है, इस पर क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आपको जो फोटो ऐड करना है आप फोटो ऐड कर सकते हैं। तो गाइस हमने कुछ प्रकार के फोटोज को ऐड कर दिया है, ठीक है। आगे जाना है, इसी बीट पर आपको इसी को पेस्ट करना है और अपने अकॉर्डिंग जो भी फोटो आपको ऐड करना है आप फोटो चूज करके ऐड कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इतना होने के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये डबल बीट दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का एनिमेशन क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसके अंदर अभी आप अपना फोटो बहुत आसान से ऐड कर सकते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करके कलर पर क्लिक करके स्टाइल आइकन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप फोटो चूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। दोस्तों इस पर क्लिक करके कलर पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आपको जो फोटो पसंद आता है जो भी फोटो आपको अच्छा लगता है वो फोटो आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं। तो गाइस हमने इस प्रकार के फोटोज को इसमें ऐड कर दिया। फिर दोस्तों जाते हैं आगे, आगे जाने के बाद इस प्रकार का इफेक्ट देखने मिलेगा जो कि आप अपने अकॉर्डिंग बहुत कमाल कमाल के फोटोज जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आगे जाने के बाद यहाँ पर ये डबल बीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको अपने फोटोज को ऐड करना है, तो फोटो ऐड करेंगे सिंपली बैक करना है और सेक इफेक्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा थर्ड वाला एनिमेशन जो कि इसे क्रिएट किया गया है, न्यू है, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है, 1 और 2 3 तीनों को सिलेक्ट करना है, लेयर पे क्लिक करके कॉपी 3 लेयर चूज कर लेना है और गाइस पैक करके आपका जो सॉन्ग बीट पार्क है इसको ओपन कर देना है। दोस्तों ओपन करने के बाद आपको जाना है आगे, आगे जाने के बाद गाइस यहाँ पर जो आप एनिमेशन क्रिएट किए थे कुछ प्रकार से डबल बीट है, ठीक है, इसको पे क्लिक करके इसको पेस्ट करना है और ये वाला हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया। और यानी कि आपको सिर्फ फोटो ऐड करना है, इस पर क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको फोटो चूज कर लेना है, गाइस ये हो जाएगा। अब गाइस ऐड हो जाने के बाद थोड़ा सा आपको आगे जाना है, बीट पे क्लिक करके इसी इफेक्ट को यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग फोटो आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है। अभी गाइस आगे मैंने कुछ प्रकार के इफेक्ट को क्रिएट किया है, तो इसके अंदर आपने फोटो ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों आगे जाने के बाद इस प्रकार का मैं एनिमेशन बनाया हूँ, तो इस पर क्लिक करके कलर पर क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फोटो अच्छा लगता है आप फोटो चूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब गाइस आगे जाने के बाद कुछ इस प्रकार के एनिमेशन देखने मिलेंगे जो कि 3 लाइन है, क्योंकि गाइस बहुत ही कमाल का इफेक्ट है। इस पर क्लिक करिएगा, कलर पर क्लिक करके स्टाइल आइकन पर क्लिक करना है, चूज करना है एक ही फोटो जो कि तीनों फोटो आपका सेम रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, तो तीनों फोटो आपको सेम ही देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके कलर पर क्लिक करके आपको तीनों फोटो सेम लगा देना है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये डबल बीट दिखाई दे रहा है। अब गाइस यहाँ से आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ से लेकर जो आपका नेक्स्ट डबल बीट है यहाँ तक आपका जो इफेक्ट लगेगा जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। गाइस बैक करते हैं, सेक इफेक्ट में आते हैं एंड यहाँ पर हमने ये वाला इफेक्ट लगा लिया। अब गाइस बचा ये वाला इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है 2 वाला, ठीक है, इस दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, लेयर पे क्लिक करके इन दोनों तीनों चारों जो कि आपको 4 लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं चारों को सेलेक्ट करना है, लेयर पे क्लिक करके कॉपी
जो फोर लेयर दिखाई दे रहा है इस पर क्लियर कॉपी कर लेना है। अब गाइस जो आपका प्रोजेक्ट है इसको आ जाना अपने बीट मार्क में। और गाइस जो आपका एंड वाला जो प्रोजेक्ट है जो कि बीट मार्क है कुछ प्रकार से, यहाँ पर आपको सिंपली जो जब डंडा बन जाएगा तो प्ले पे यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको फोटो कैसे ऐड करना है, सबसे पहले इस ग्रुप को जो स्टेप आर्टिस्ट को कट कर देते हैं, इस ग्रुप के अंदर ही आपको फोटो ऐड करना है। सिंपली आपको इस ग्रुप को ओपन कर लेना है और इसके अंदर जो आपका ये फोटोज़ है इस पर क्लिक करके कलर पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जो भी फोटो आप ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों एंड जो पोजिशन आपका है इसको दोनों को तीनों चारों पांचों इस प्रकार से चारों को सेलेक्ट करना है, लेयर पे कॉपी लेयर कर लेना है और इसी प्रकार से आपको पेस्ट करते जाना जैसे मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। बिट के अकॉर्डिंग आपको पेस्ट करना है और इसको बिट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी करना होगा, ठीक है। तो जो हमारा एंड वाला इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर जो डबल बिट आपको दिखाई दे रहा है जो कि एंड में इस इफेक्ट को लगाना है, तो हम बैक कर लेते हैं और आपको बैक करने के बाद जो आपको इफेक्ट दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, ये दोनों ये वाला जो इफेक्ट है ये दोनों 1 2 3 4 ठीक है एंड 5 6 इनको आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। इसे सिलेक्ट होने के बाद लेयर पे क्लिक करके कॉपी 6 लेयर आएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा और आपका जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर देना है। गाइस ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपका डबल बीट है इस पर क्लिक करके लेयर पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है और इसके अंदर फोटो कैसे लगाना है आप तो जानते ही हैं। अब यहाँ पर आपको एक वीडियो क्लिप देखने मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, सबसे पहले आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार का वीडियो क्लिप आप यहाँ पर देख लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ इस प्रकार का ये वीडियो क्लिप है। इसको आपको इसको वॉल्यूम को जीरो कर देना है, ठीक है। आपका जो एंडिंग पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, यानी कि 19 सेकंड तक है, तो आपको इसको इस प्रकार से कट करके मिला देना होगा। अब गाइस इसको कर देना है आपको यहाँ पर स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन हो जाएगा। अब इसको जो उठा करके लागना है आपको सबसे नीचे, जो कि जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, स्क्रॉल करके आपको सबसे नीचे लाना होगा जो कि हमारा ये वीडियो क्लिप है, ठीक है। अब गाइस मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ फटाफट से और यहाँ पर ये सबसे नीचे आ भी चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कलर ग्रेडिंग करना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कलर ग्रेडिंग कैसे होता है। सबसे पहले मैं इसको नीचे इस प्रकार से ला देता हूँ, कुछ इस प्रकार से गाइस सबसे नीचे आपको रखना है कुछ प्रकार से जो फोटोज़ वगैरह होंगे उसके नीचे, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। अब इसके अंदर आपको फोटो कैसे लगाना है, सॉरी कलर ग्रेडिंग करना है, इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको एक HUM नाम का इफेक्ट आता है, इसको सर्च करके यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको एंड पोजीशन पे जाना है और यहाँ पर आपको इसको 2x कर देना है कुछ इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस 2x करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है जो कि वीडियो आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर बॉक्स पर क्लिक करके आप इसको बहुत आसानी से अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं।